अंडरग्राउंड बैम्बू फिशिंग। अरविंद घर बैठे नाखून काटते हुए टीवी देख रहा था। 30 सेकंड में 6 किस्म के खाने कैसे बनाए जाएं, यूं तमिल में एंकर जो बता रही थी वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी आमनी आई। क्यों जी, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो मेरी बात सुना करो। अरे भगवान, जानते हो भगवान ने 2 कान किस लिए दिए हैं? मल्टीटास्किंग के लिए। 1 कान मैंने टीवी के लिए रखा है और दूसरे कान से तुम जो कहोगे वो मैं सुनूंगा। अब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो बगैर चिल्लाए आराम से लता मंगेशकर की मीठी सुर की तरह प्यार से बोलो तो मैं सुनूंगा, नहीं तो तुम्हारे ये कर्कशी आवाज से कर कर करके हमेशा चिल्लाती रहोगी तो मल्टीटास्किंग तो छोड़ो, मेरा ये कान बहरा हो जाएगा और फिर शंकर महादेवन जैसा आदमी भी आकर शंख बजाए तो मुझे कुछ नहीं सुनाई देगा। ये बात नहीं है जी, वो जो हमारा पड़ोसी परमेश है अपने घर में एक और मंजिल बना दिया है ऊपर, हम कब बनाएंगे? अरे तुम उसके बारे में बात ना करो, वो गुरुद्रोही है। वो हमारे पास काम में लगा, हमसे खाना बनाना सीखा और हमारे सामने ही एक और दुकान खोला और हमसे ज्यादा कमा रहा है। और मैंने तो सुना है कि और भी कुछ गोरख धंधा कर रहा है वो। ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं इस तरह वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। लानत है ऐसी कमाई पे, वो हमें नहीं चाहिए। भगवान ने हमें खाना बनाने की कला सिखाई है, हम उसी में ठाक से रह लेते हैं। हाँ हाँ, यूँ कहते कहते 2 साल निकाल चुके हो तुम। आप खाना बनाते हो वो देखकर लोग हमारे दुकान की तरफ भी नहीं आ रहे हैं आजकल, दूर से ही भाग जाते हैं। ऐसा ही रहा तो ठनठन गोपाल है, समझो। अरे बंद करो, तुम्हारे ये श्राप देना। मैं इस जनरेशन के लिए जो खाना चाहिए वो सीख रहा हूँ और 2-3 सालों में बस यूँ समझो कि हम कुछ कर जाएंगे, एकदम क्लासिक खाना बनाएंगे। और तब मैं जो खाना बनाऊंगा लोग दूर दूर से आकर खा के जाएंगे, देखते रहना। क्यों, क्या कहती हो? आपका ये उम्मीद देखकर मुझे अच्छा ही लग रहा है, पर अब जो हाल है वो ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मैं खाना बनाना बंद कर देता हूँ, तुम बनाओ ठीक है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये बात नहीं है जी, आपको बैम्बू चिकन बनाना आता है ना? बिल्कुल एकदम बढ़िया बना सकता हूँ, पर वो परमेश ने मेरा फॉर्मूला चुरा कर वो बैम्बू चिकन बनाकर बहुत मशहूर हो गया है। अब अगर वही बैम्बू चिकन मैं बनाऊँ तो लोग बोर नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, इसलिए हम बैम्बू चिकन ना बनाकर बैम्बू फिश बनाते हैं। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर हमें मछलियाँ कहाँ से मिलेंगी? फिर वो मछली खरीद कर लाना, उसे साफ करना, ये सब झंझट है। कोई झंझट नहीं है, ये देखो पड़ोसी वो परमेश ने अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड में एक गड्ढा खोदा है और उसमें मछलियाँ पाल रहा है। हम अपने घर के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसमें से मछलियाँ निकाल कर पकड़ लेते हैं, फिर उसे बैम्बू फिश बनाकर पकाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, पर एक मछली पकड़ने के लिए टाइम भी तो लगता है ना? अरे आपका मुंह है या गंदा नाला, हमेशा शक करते रहते हो, हमेशा क्वेश्चन पे क्वेश्चन, पर आपके हर सवाल के लिए मेरे पास जवाब है। वो ये है कि एक पूरे चिकन को काट कर डाला तो वो सारे मछलियाँ ये चिकन खाने के लिए आ जाएंगे, तब हम उन्हें पकड़ लेंगे। पर अगर सारे मछलियाँ हमने पकड़ ली तो उसे शक नहीं होगा? और अगर वो परेशान हो गया कि मेरे मछलियों को क्या हुआ तो? शक हो तो हो, हम कह देंगे कि भाई तुम्हारे मछलियों को पंख लग गए और उड़ के चले गए। कहकर जमीन में एक छोटा सा छेद खोदा और एक पूरा बड़ा चिकन ले आकर उसे उस गड्ढे में छोड़ा। बस उस चिकन को खाने के लिए सारे मछलियां वहां पर जमा हो गईं। उन मछलियों को बड़े ध्यान से बाहर निकाला और फिर स्टोव पर रखकर बैम्बू फिश बनाने लगा। उस खुशबू को सूंघते हुए पड़ोसी परमेश दौड़ता हुआ आया और
क्यों गुरुजी, आपके दुकान से आज नया नया मछली की खुशबू आ रही है, आप क्या बना रहे हो? अरे गुरुद्रोही कमीने, अब तक मेरे पास से जो रेसिपी चुरा चुके हो वो क्या कम है? अब मैं जो नया बना रहा हूँ उसे भी तुम नकल कर लोगे? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर आप बताएंगे नहीं तो क्या मैं जान नहीं पाऊंगा गुरुजी? हैं? खुशबू तो मछली की आ रही है और नया ये है कि आप उसे बैम्बू में डाल रहे हैं, बस इतनी सी बात है ना गुरुजी? अब देखिए मैं भी आपकी तरह आपसे बढ़िया बैम्बू फिश बनाऊंगा। कहकर वहां से दौड़ता हुआ गया और अपने घर के नीचे उस टब में मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगा। नीचे देखा तो एक भी मछली नहीं थी। ये देखकर परमेश हैरान हुआ और अरे ये क्या, एक भी मछली नहीं है, इतने सारे मछलियां तो थी, इन्हें क्या हुआ? कहीं हमारे गुरुजी ने उसे चोरी तो नहीं की? ऐसा नहीं करेंगे वो, तो ये मछलियों को क्या हुआ होगा? यूं सोचते हुए बाहर आया और अरविंद से, गुरुजी मेरे मछलियां दिखाई नहीं दे रही। अच्छा दिखाई नहीं दे रहे, तो तुम फौरन पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करो, उन्हें दिखाई दे तो वो पकड़ कर वापस ला के देंगे। गुरुजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई चोरी करके ले गया। किसी ने चोरी नहीं किया, मैंने ही सवेरे देखा था कुछ मछलियाँ हवा में उड़ती हुई जा रही थी, पर मैं नहीं जानता था कि वो मछलियाँ तुम्हारी हैं। अगर जानता तो उन्हें रोक कर वापस भेज देता। क्यों गुरुजी, आजकल आपने झूठ बोलना तो सीख लिया और साथ साथ चोरी करना भी, अब मछलियां हवा में कैसे उड़ती हैं गुरुजी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस कलयुग में जब चेला गुरुजी को ही धोखा दे सकता है तो क्या मछलियां हवा में नहीं उड़ सकती? ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो ना? तब परमेश समझ गया कि जब गुरुजी को गुस्सा आ जाए तो रिएक्शन कैसे होता है। तब उसे अपने गलती का एहसास हुआ। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके मुकाबले में दुकान नहीं खोलना चाहिए था, आपको बहुत नुकसान हुआ है, मैंने जो पैसे कमाए उसमें एक हिस्सा आपको दूंगा, अब इस उम्र में आप मेहनत ना करें, आप आराम से जिंदगी बसर करें। कहकर उन्हें थोड़े पैसे दिए। अरविंद का बैम्बू फिश बहुत मशहूर हुआ और लोगों को इतना अच्छा लगा कि उसके दुकान के बाहर लाइन लगाकर खाने लगे। इस तरह उसका बैम्बू फिश मशहूर होने के कारण अरविंद और आमिनी आराम से जिंदगी गुजारने लगे। मैजिकल व्हील गोल्डन टॉयज। विद्यानगर नाम का एक गांव था, वहां रामू नाम का एक कुम्हार था, वो उस आसपास के गांव में बहुत मशहूर था। एक दिन रामू, उसकी पत्नी सीरी और बेटा देव काम कर रहे थे कि उनके पास शर्मा नाम का एक व्यापारी आया। देखो रामू, अब से तुम्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने शहर में एक बड़ा फैक्ट्री खोला है, अब ये सब वस्तुएं मशीन में ही बना देंगे, यदि तुम मुझसे मुकाबला करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, कहकर वहाँ से चला गया। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, कोई और काम देखना होगा, वो फैक्ट्री में बनाए तो हमसे कम दाम में ही बेचेगा ना, लोग वहीं खरीदेंगे जहां उन्हें माल कम दाम में मिले। पिताजी आप गड़े और बर्तनों की जगह हम मिट्टी के कार, बाइक, ऐसे खिलौने बना सकते हैं ना, उनका भी काफी डिमांड है। आइडिया अच्छा है बेटा, कल से हम मिट्टी के व्हीकल्स बनाते हैं। अगले दिन से रामू और उसके परिवार वालों ने मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। उन गाड़ियों को देखकर बच्चे अपने माँ बाप को लाकर उन्हें खरीद कर ले गए। इस तरह देव का आइडिया भी रामू और उसके परिवार के लिए अच्छे पैसे और अच्छा नाम कमाने लगा। शर्मा के पास उसका असिस्टेंट बबलू गया और सर रामू शहर जा रहा है, वो भी अपने फैक्ट्री के पास वाले एरिया में, अब वो खिलौने के धंधे में बहुत मशहूर हो गया है सर, हम भी उसका नकल करते हुए खिलौने बनाने लगे हैं, अगर उसने शहर में धंधा शुरू किया फिर हमारे हाथ में बाबा जी की ठुल्लू ही बचेगा। मैं उसे दिखाऊंगा, मैं जानता हूं कि उसको कैसे सबक सिखाना है, कहकर वहां से चला गया।
अगले दिन रामू अपने परिवार के साथ एक गाड़ी में जंगल से गुजर रहा था। तब शर्मा कुछ गुंडों के साथ आकर उसके गाड़ी को रोका। शर्मा रामू से, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम शहर जाओगे? सुनो, इस गाड़ी के पहिए और इसके खिलौने सब तोड़ दो, दोबारा ये मुझसे पंगा नहीं लेगा। गुंडों ने रामू के गाड़ी और उसके सामान को नाश करके वहाँ से चले गए। तब रामू, सीरी और देव तीनों बैठकर दुखी हो रहे थे। तब वहाँ एक साधु आया। इतने दुखी क्यों हो रामू? आपसे कोई बात तो छुपी नहीं है स्वामी जी। शर्मा ने मेरे जीवन का नाश कर दिया है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। तुम नेक इंसान हो रामू, तुम्हारा अच्छा ही होगा। तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ। रामू अपने परिवार के साथ घर चला गया। रामू जब घर पहुंचा तो उसे एक चमकता हुआ मैजिक व्हील दिखाई दिया। उसे देखकर रामू खुश होकर एक मिट्टी के ढेले को उसके ऊपर रखा। बस वो तुरंत अपने आप कुछ सुंदर गोल्डन टॉयज में बदल गए। ये देखकर हैरान होकर देव और सीरी ने भी मिट्टी का ढेला डाला, वो भी सुंदर गोल्डन टॉयज में बदल गए। रामू उन गोल्डन टॉयज को बेचने लगा। लोग उन खिलौनों को खरीदने लगे। शर्मा का धंधा बिल्कुल ठप हो गया। उसे फैक्ट्री बंद करना पड़ा। तब कुछ लोग शर्मा के पास आए। उनमें से एक, देखो शर्मा, हम नहीं जानते कि तुम क्या करोगे, पर कल तक हमारे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, कहकर चले गए। तब शर्मा पास ही खड़े बबलू से, क्या ये मेरे सचमुच खाल उधेड़ देंगे? बिल्कुल उधेड़ देंगे सर, ऊपर से आप बहुत नर्म हैं, तो आपका खाल आराम से उधेड़ देंगे। तो फिर रामू को परिवार समेत गायब करना होगा, वो भी आज ही रात को। रात हुई, शर्मा और बबलू कुछ गुंडों के साथ रामू के घर पहुंचे। शर्मा गुंडों से, पहले उस व्हील और खिलौनों का नाश करो, जब वो उस सदमे से बाहर आएंगे तब उनकी खबर लेते हैं। तब गुंडों ने कुछ गोल्डन कार को जमीन पर पटका। हैरानी की बात ये थी कि वे तुरंत जायंट व्हीकल्स में बदल गए और बड़े बड़े आकार के जानवरों में बदल कर गुंडों के पीछे पड़ने लगे। उनसे डर कर शर्मा और गुंडे मैजिकल व्हील की ओर भागे। जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचे, मैजिकल व्हील भी बड़ा होकर उन्हें पकड़ लिया। उन्हें पकड़ कर जोर से घुमाने लगा। वे सब, अरे बचाओ बचाओ, अरे हमें बचाओ, कहकर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर रामू और उसके परिवार वाले बाहर आए। उनके बाहर आते ही उस मैजिकल व्हील ने शर्मा और गुंडों को हवा में उछाल दिया। उन्हें फेंक कर मैजिकल व्हील और गोल्डन टॉयज फिर से साधारण रूप में बदल गए। यहाँ तो कोई नहीं है, चलो जाकर सोते हैं। तब सब अंदर चले गए। तब गोल्डन व्हील और खिलौने चमकने लगे।